नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स से एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड से लगातार बुरी खबरों का आना बंद नहीं हो रहा है। बीता साल आपने देखा है कि तमाम बड़े दिग्गज कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कई लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं और बीते हफ्ते ही मंद्रा बेदी के हस्बैंड राज कौशल का भी निधन हो गया। और आज सुबह बॉलीवुड से एक बहुत बड़ी और बुरी खबर आ रही है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। लोग शॉक्ड हैं, दुख में हैं, क्योंकि बॉलीवुड के सबसे बड़े खान, बॉलीवुड के पहले खान यानी दिलीप कुमार साहब का निधन हो गया है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ है पूरा मामला और दिलीप कुमार कौन से अस्पताल में भर्ती थे, कितने बजे आज सुबह उनका निधन हुआ है। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड के सबसे चहेते और उम्दा कलाकार रहे दिलीप कुमार का बुधवार 7 जुलाई यानी आज सुबह निधन हो गया। दिलीप कुमार 98 साल के थे और पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। दिलीप कुमार के डॉक्टर जलील पार्कर ने निधन की खबर को कंफर्म किया है। दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार आज थोड़ी देर के बाद सांता क्रूज कब्रिस्तान में किया जाएगा। दिलीप कुमार पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, या यूँ कहें कि दिलीप कुमार पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। उन्हें बढ़ती उम्र की तमाम बीमारियों ने घेर रखा था। उन्हें हाल ही में यानी जून के महीने में खार के हिंदुजा अस्पताल में 2 बार भर्ती कराया गया। पहली बार वह 10 दिनों तक रहे और उसके बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी और घर आ गए थे। लेकिन बीते हफ्ते ही उन्हें एक बार फिर से जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो एक बार फिर से खार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था और आज सुबह 7:30 बजे ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने एक दिन पहले बताया था कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और उनका जन्म अविभाजित भारत के पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उन्होंने साल 1944 में ज्वार भाटा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार भी बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। दिलीप कुमार को बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग कहा गया। उन्होंने अपने करियर में शहीद, मेला, अंदाज, जोगन, बाबुल, दाग, आन, देवदास, आज़ाद, नया दौर, मधुमति, पैगाम, कोहिनूर, मुगले आज़म, गंगा जमुना, राम और श्याम, आदमी, गोपी, क्रांति, शक्ति, विधाता, कर्मा और सौदागर जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार से जुड़ी तमाम अपडेट आज हम आपको दिन भर देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर लें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।